हाय डिवाइन फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं डिवाइनली ब्लेस्ड हैं टोटली सेफ़ हैं सिक्योर हैं फ्रेंड्स बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई है सुपर uh, थैंक्स की सो प्लीज़ बे विद मी और थोड़ा पेशेंस रखिए ठीक है मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स माई ड्यूटी टू थैंक एवरी जिन लोगों ने यू uh, नो you know, मुझ पर प्यार की बरसात करी है और uh, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजे हैं uh, मैं ट्रिप पर थी ठीक है मैं वैष्णो देवी गई थी और इस वजह से मैं रेगुलरली आप लोग के साथ डाउनलोड शेयर नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी uh, लेकिन आई होप आप सब ने दर्शन किए माँ कुमारी के और त्रिकुट पर्वत के राइट यहाँ सो सबसे पहला नेम आ रहा है कल्याण सुंदरम थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट कल्याण सुंदरम जी किसी का नेम मेंशन नहीं है उनके यूज़र आईडी पे सो so मैं उनकी यूज़र आईडी पढ़ रही हूँ एंड uh, उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है ऑस्ट्रेलिया से टी जे सिक्स एच एम थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना नेम मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए राइट right? सो so मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ थैंक यू सो मच सुदर्शन महानसरी Thank you so much. Thanks a lot, Ashok g six five two. Thank you so much. Thanks a lot, naishad Kumar Vyas. Thank you. Thank you once again, Indu Mahindru. Thank you so much. Thanks a lot, Arun Kumar. Arun Kumar Yadav. Thank you so much. Thanks a lot, Janvi. Thank you Janvi. Thanks a lot, Harvinder Kaur. Thank you. Thank you once again, Kalyan Sundaram. Once again, thank you. Thanks a lot. राजकुमारी नाथ थैंक यू थैंक्स लॉट तनुजा पाटिल थैंक यू आरती सिंह थैंक यू आरती थैंक्स अ लॉट नेचर विद रोहित जोन थैंक यू सो मच रोहित थैंक्स अ लॉट उमेश पंडित थैंक यू हरविंदर कौर थैंक्स अ लॉट एक और मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है लेकिन उनका नेम वहाँ पर मेंशन नहीं है तो मैं उनकी यूजर आईडी पढ़ रही हूँ टू एम एक्स वन वाई थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट नारायण छेत्री थैंक यू थैंक्स अ लॉट संदीप नायक थैंक यू थैंक्स अ लॉट सैयद जज्यान आई होप मैं आपका नेम सही ले रही हूँ ठीक है थैंक यू सो मच लता जोशी थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड अगेन अनॉनमस उनका यूज़र आई डी है नाइन एक्स आर फोर जेड थैंक यू सो मच प्लीज़ जिन जिन के नेम्स यहाँ पर नहीं है ठीक है प्लीज़ आप लोग मुझे अपने नेम्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में सो so दैट मैं आपके नेम्स को शाउट आउट दे पाऊँ ठीक है सुष्मिता गिरी थैंक यू सो मच थैंक यू सुष्मिता वंस अगेन राज लाल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थैंक यू थैंक्स अ लॉट नव्याक्ष थैंक यू नव्याक्ष थैंक्स अ लॉट कल्याण सुंदरम्स वंस अगेन थैंक यू सो मच अनिका थैंक यू ईशा थैंक यू विश्वजीत शीर सागर थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट शिरीश देश पांडे थैंक यू थैंक्स अ लॉट अजंता गुहा थैंक यू थैंक्स अ लॉट सनत कुंडू थैंक यू थैंक्स अ लॉट मीता चौधरी थैंक यू थैंक्स लॉट थैंक यू वंस अगेन एंड मैं चाहती हूँ आप लोग के यू नो जिस तरह से आपका मन उदार है आपने ये जो स्वीट जेस्चर मेरे लिए शो किया है सुपर थैंक्स भेजकर मैं चाहती हूँ यही अमाउंट आपके जीवन में हंड्रेड मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आए और अलग अलग रूप में आपको अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में मिले आपको गुड न्यूज़ के रूप में अपार धन के रूप में आपके जीवन में ये जो सुपर थैंक्स आपने मेरे लिए यहाँ पर भेजा है ये आपके जीवन में संपन्नता के रूप में बरसे ठीक है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट एंड आप सबके स्वीट जेस्चर के लिए मैं आप सबका तही दिल से धन्यवाद करती हूँ थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट सो आते हैं आज के डाउनलोड पर सो so, आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है ठीक है यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ ठीक है आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं ओके एंड आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस प्लेस में रह रहे हैं जिस जगह पर आप रह रहे हैं आप उस प्लेस को आउटग्रो कर चुके हैं अब आपके जीवन में एक प्रोग्रेस का समय स्टार्ट हो चुका है डेफिनेटली uh, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई right? राइट बहुत ज़्यादा uh, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा आपके जीवन में डिलेज भी क्रिएट uh, करे गए ठीक है लेकिन आपने बिना रुके बिना थके अपने इनर वर्क को साथ रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने साथ रखते हुए ठीक है हर उस कठिन सिचुएशन को आपने पुश किया है ठीक है यू पुश्ड देम अवे ठीक है सो डेफिनेटली आपके अंदर जो एक प्योर भाव है ठीक है आपके अंदर जो एक पवित्र भाव मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पाप नहीं करते हो ठीक है डेफिनेटली आपने भी कभी न कभी आ, पाप वगैरह किए होंगे ठीक है गलती से ही सही लेकिन आपको उस पाप का पश्चाताप रहा है ठीक है और आपने उसमें सुधार किया है इस वजह से आप वापस से आपने उस प्योरिटी को प्राप्त किया है उस पवित्रता को प्राप्त किया है राइट और उसको रिटेन किया है आपने वापस से उस पाप को उस गलती को दोहराया नहीं है ठीक है इसी वजह से वो प्योरिटी आपके अंदर रिसाइड करती है और ये चीज़ दिव्य शक्तियों से छिपी नहीं है और इसी वजह से आपकी लाइफ को आपकी एनर्जी को अपग्रेड किया जा रहा है ठीक है इंट्यूटिवली आप अपग्रेड हो रहे हैं ठीक है ठीके? सोल के वे में ठीक है आत्मिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे आप अपग्रेड हो रहे हैं एंड आप ओवरऑल मटेरियलिस्टिकली भी अपनी लाइफ में अपग्रेड हो रहे हैं ओवरऑल अपग्रेडेशन आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप जिस जगह पर रहते हैं जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह पर आपके ऊपर अनगिनत अटैक्स किए गए अब आपका अहदा उस स्थान से बड़ा हो चुका है उस जगह से बड़ा हो चुका है सो यू हैव एक्चुअली आउट ग्रो इन दैट प्लेस ठीक है आप उस प्लेस को आउट ग्रो कर चुके हैं है ना उस माहौल को आप आउट ग्रो कर चुके हैं सो so, जो लोग आपके साथ पास्ट में यू नो रिलेट करते थे जो आपको अपने लेवल पर मानते थे अपने इक्विवेलेंट मानते थे फ़िलहाल आपके आसपास के लोगों को भी ये आभास हो रहा है कि आप एक्चुअली यू नो अपग्रेड कर चुके हैं आपकी लाइफ अपग्रेड हो चुकी है ठीक है हो सकता है आपके बारे में लोग ऐसी बातें भी करते हो कि आप बहुत हाई फाई हो ठीक है आप ऑल दो आप बहुत डाउन टू अर्थ हो ऑल दो आप बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हो ठीक है बहुत ही हम्बल व्यक्ति हो बिल्कुल भी आ, तनिक मात्र भी आपके अंदर यू नो तिनके मात्र भी आपके अंदर घमंड अहंकार नहीं है लेकिन आपका जो एक लेवल है ठीक है रहन सहन का तरीका है आ, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें आप अपग्रेड कर चुके हो ठीक है उसमें आपका एक आ, प्रोग्रेस आप देख रहे हो ठीक है आप जिस स्थान पर रहते हो जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर आपके ऊपर अनगिनतों वर्क्स किए गए ठीक है अनगिनत रूप से आपको अटैक किया गया आपकी प्योरिटी को अटैक किया गया आपकी यू नो आध्यात्मिक शक्तियों को क्षीण करने की कोशिश करी गई आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को आपसे छीनने की कोशिश करी गई ठीक है हर प्रकार की चीज़ें ट्राई कर ली गई लेकिन कुछ भी आपके एनिमीज़ और हेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स के लिए कुछ भी वर्क नहीं किया राइट बिकॉज आपके अंदर इन लोगों ने एक फियर क्रिएट करने की कोशिश करी एक डर पैदा करने की कोशिश करी लेकिन आपने उस डर को पुश अवे कर दिया ठीक है आपने उस डर Uh, का सामना बड़ी बहादुरी से किया है ठीक है आप को अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डरा कर रख सके बिकॉज आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि अल्टीमेटली आपका और ईश्वर का ही जो एक रिश्ता है वो सत्य है बाकी सारे रिश्ते बेकार हैं वेस्ट हैं ठीक है सो देर इज़ नथिंग जो चीज़ आपको डरा कर रख सके डर वहाँ पर होता है जहाँ पर कहीं पर किसी uh, चीज़ के प्रति कोई मोह हो राइट सो so, आप हर उस मोह को त्याग चुके हो राइट right? एंड अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो एक्सट्रीम लिमिट होता है वो क्या होता है कि अल्टीमेटली uh, हर एक पर्सन uh, से आपको कभी ना कभी बिछड़ना होता है राइट right? सो so, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो उस ट्रुथ को आप एक्सेप्ट कर चुके हो सो so, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको डरा सके आपने ऐसे मेजर लॉस लाइफ में झेले हैं ठीक है ऐसे लवड वंस को आपने खोया है शायद ठीक है आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लोगों को खोया है बहुत कीमती लोगों को खोया है बहुत लव्ड वंस को अपनी लाइफ में आपने हो सकता है खोया हो मेजर लॉस यहाँ पे uh, मुझे दिख रहा है कि आपने बेयर किया है ये किसी भी प्रकार का लॉस हो सकता है ठीक है धन के रूप में हो सकता है आपने मेजर लॉस बेयर किया हो लोगों के रूप में लव्ड वंस के रूप में हो सकता है आपने मेजर लॉस बेयर किया हो किसी प्रकार का लॉस आपने झेला है जिस लॉस ने आपको बहुत ज़्यादा बहादुर और करेजियस बनाया है आप अपने फियर्स को फेस करना सीख गए हैं अपने डर का सामना करना आप सीख गए हैं ठीक है एंड इसी वजह से आपके जो एनिमीज़ हैं आपके जो हेटर्स हैं जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ठीक है जो आपकी प्योरिटी से जलते हैं जो आपकी पवित्रता से जलते हैं जो आपकी आध्यात्मिक पावर से जलते हैं ठीक है उनको ये परेशानी होती है कि आप आ, किसी चीज़ से डरते क्यों नहीं हैं आप निडर क्यों हैं ठीक है ठीके? आपकी निडरता उनको शक्तिहीन बना देती है ठीक है वो शक्तिहीन फील करते हैं वो पावरलेस फील करते हैं आपकी निडरता के आगे ओके सो गुड जॉब एंड कीप इट अप और आप अपग्रेडेशन के लिए तैयार हो जाइए या सो आपके अराउंड में uh, एक न्यू एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आप सबके अराउंड ठीक है yes, यस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये थोड़ा कठिन होता है अचानक से यू नो you know, व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि मैं इस प्लेस के लिए नहीं बना हूँ मैं और ज़्यादा बेटर प्लेस में रहने लायक हूँ ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा आ, किसी किसी को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं किसी किसी को चेंजेस बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ठीक है लेकिन आपको डीप विद इन आपकी आत्मा को पता है कि अब आप एक नई राह पर चल पड़े हैं अब आप एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिए गए हैं ठीक है तो अब आपका जो आगे का पथ है वो और ज़्यादा शाइनिंग है और ज़्यादा ब्राइट है ठीक है so, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है आप अपग्रेडेशन के लिए तैयार रहिए और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ के अगेंस्ट बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं बैकग्राउंड में ठीक है लेकिन आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट बैकफायर होंगी ओके एंड आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है राइट सो so, जो कुछ भी आपके कॉन्स्पिरेटर्स आपकी मैरिड लाइफ के अगेंस्ट कर रहे हैं प्लान प्लॉट कर रहे हैं उनको सिर्फ इस ध्वनि मात्र से साउंड मात्र से बैकफायर किया जाएगा इट बैक टू सेंडर इमीजिएटली या सो so, जो कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए करी जा रही है ठीक है वो सब कुछ बैकफायर हो एंड जो कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हो उसके जीवन में ही उन चीज़ों का परिणाम उसको फेस करना पड़े ठीक है जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रही है आपकी पीसफुल मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है आपके दिमाग में किसी तरह का डर बैठाने की कोशिश कर रही है तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हों इमीडिएटली इट बैक टू सेंडर या और जो कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है उसको इन सारी यू नो गलतियों का परिणाम भोगना पड़े और बिल्कुल भी वो व्यक्ति इन चीज़ों से बच कर निकल ना पाए या सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ मैं चाहती हूँ आप सबके आभा मंडल में अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच होने की कोशिश कर रही है तो so, वो सब कुछ क्लेंज हो जाए ठीक है वापस वहीं लौटा दी जाए वापस वहीं बैकफायर किया जाए उठाकर फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो और मेरे सारे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए या पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और अपग्रेड होने के लिए तैयार कर दिया जाए ठीक है ब्लेसिंग्स की भरमार कर दी जाए और सारी समस्याओं का अंत कर दिया जाए राइट जी अंजल्स मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है क्यों सर्विस प्रोवाइड करिए क्या मैसेजेज हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है ओके okay. क्या ओकेजेज हैं क्या मैसेजेज हैं है? मेरे कलेक्टर्स के लिए ओके ओके राइट दी एम प्रेस गॉड इस एनर्जी ठीक है सो डेफिनेटली आदिशक्ति की एनर्जी वर्क कर रही है आपके साथ राइट right? हम्म hmm. आपको क्लैरिटी मिली है अपनी लव uh, लाइफ को लेकर के ठीक है कुछ न्यू शुरुआत होते हुए देख रही हूँ मैं कोई नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ या आपके अंदर करेज आ चुका है ठीक है एक एक, एक एक न्यू स्टार्ट को लेकर के ना एक कॉन्फिडेंस आ चुका है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ठीक है अपनी लाइफ को लेकर के और आपने अपनी लाइफ पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दी है ठीक है अब आप पूरी तरह से लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं ठीक है ठीके? आप ईश्वर के आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा चुका है ठीक है और वो ही आपके जीवन को चला रहे हैं ये इस बात का विश्वास आपको पूरी तरह से हो चुका है बहुत ज़्यादा निडर हैं आप बहुत साहसी हैं और आपका ये साहस ये साहस नेवर एंडिंग है ठीक है आप देख रहे हैं इन्फिनीटी का साइन या आप में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव है ठीक है आप में से कई लोग जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है एंड आपके जीवन में डेफिनेटली अपग्रेड होने वाला है ठीक है नई शुरुआत मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन आ रहा है वाई बिकॉज आपके ऊपर वॉच रखा जा रहा है ठीक है ईश्वर आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं और वो आपको यू नो you know, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपके जीवन का जो स्टेयरिंग है वो ईश्वर के हाथ में है और ये बात आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुकी है ठीक है आपने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है एंड uh, अब आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं एंड बिकॉज आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं ये चीज़ आपके कॉन्स्पिरेटर्स को पावरलेस बनाती है ठीक है ये चीज़ आपके आ, एनिमीज को हेटर्स को और ज़्यादा डराती है ठीक है हॉन्ट करती है वो और ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं या आपके वर्क में ठीक है करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है राइट ऑफ फॉर्च्यून भाग्य आपके साथ है आपके करियर में बहुत सारी प्रगति मैं देख रही हूँ एंड बहुत हार्ड वर्किंग है आप आपका भाग्य आपका साथ देगा तब तक जब तक आप मेहनत करेंगे ठीक है आपके मेहनत के साथ साथ यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज इफ यू विल पुट इन द वर्क आप वर्क करोगे और आपका भाग्य आपका साथ देगा राइट वील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है लक ठीक है भाग्य का साथ आपको मिल रहा है बहुत वर्किंग है आप बहुत फोकस्ड हैं ठीक है ठीके? बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अपने करियर पर फोकस्ड अपने वर्क पर फोकस अपनी लाइफ पर फोकस ठीक है बहुत ही फोकस पर्सन है बहुत निडर है और डेफिनेटली uh, आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग uh, शुरुआत होती मुझे दिख रही है एक यू नो प्योरिफाइड एनर्जी मुझे फील हो रही है पूरी तरह से क्लेंज uh, हो गई है आपकी एनर्जी भीतर तक ठीक है आपकी आत्मा तक uh, पूरी तरह से यू you नो know, जैसे कि धुलाई हो गई हो आपकी आत्मा की ठीक है जो भी अटैक्स किए गए जितना आपको घायल किया गया आपकी आत्मा को जितने अटैक्स कर 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 घायल किया गया ठीक है सो तो वो सारे अब भर चुके हैं एंड आप पूरी तरह से प्योरीफाई होकर वापस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो एंड अपग्रेडेशन के लिए आप तैयार हो राइट और ये चीज़ देखकर आपके हेटर्स और एनिमीज को यू नो मौत आ रही है दे आर लिटरली डाइंग राइट पैनिक अटैक्स आ रहे हैं आपके हेटर्स और एनिमीज़ को आपकी पावर को देख करके ठीक है वो पावरलेस फील करते हैं या आपके फियरलेस एटीट्यूड को देख करके वो पावरलेस फील करते हैं या सो so, बेसिकली uh, आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो फाइंड आउट करते रहते हैं आपकी वीकनेस को आपकी कमजोरी को जो कि इस दुनिया में कहीं पर है ही नहीं ठीक है आप किसी भी चीज़ को लेकर के अब आ, वीक फील नहीं करते हो आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो ठीक है और अगर आप किसी चीज़ से अटैच हो भी तो वो बहुत ज़्यादा आप तक ही सीमित है आपको ही पता है ठीक है आप उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हो कि आप कहीं पे भी उस चीज़ से अटैच हो ठीक है सो यू आर प्लेइंग रियली स्मार्ट एंड नथिंग कैन Overpower you यू ठीक है आपको कुछ भी ओवरपावर नहीं कर सकता या मुझे दिख रहा है कि आपने एक्चुअल uh, में बहुत वर्क किया है बहुत इनर वर्क किया है बहुत साधना की है ठीक है मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है आपकी करी हुई साधना आपके द्वारा करी गई तपस्या ध्यान जाप जो भी कुछ आप करते हो ठीक है वो आपके पार्टनर के लिए भी वर्क कर रही है यहाँ एम्पर और एम्प्रेस uh, आए हैं सो दे आर पावर कपल ठीक है आप जो कुछ भी करते हो वो आपके पार्टनर के लिए भी यू नो पॉजिटिव वे में वर्क करता है वो डायरेक्टली आपके पार्टनर के लिए भी यू नो you know, फायदेमंद है बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो ठीक है ट्विन फ्लेम का कन्फर्मेशन आया है यहाँ पर द लवर्स एंड द एम्प्रर एंड द एम्प्रेस या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल हो और ये जो आ, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करी जा रही है ठीक है आपके अगेंस्ट आपकी मैरिड uh, लाइफ के अगेंस्ट जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करी जाती हैं ये सब कुछ वेस्ट है ठीक है ये बेसिकली uh, आप, और, आप और आपके पार्टनर को कहीं पर भी छू भी नहीं सकती ठीक है लेकिन आपको बताया जा रहा है कि uh, क्योंकि या yeah. okay. hmm. राइट right. इस चीज़ को लेकर के जस्ट बिकॉज यू आर यू प्रिटेंड टू बी अनफेक्टेड ठीक है आप पूरी तरह से अनफेक्टेड हैं और आप यही चीज़ जाहिर करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से ठीक है आप पर वॉच रखी जाती है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेज भेज कर आप पर वॉच रखी जाती है ठीक है तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं अपनी समस्याओं का ढिढोरा पीटना आपको पसंद नहीं है और आप फियरलेस दिखना पसंद करते हैं और वही एटीट्यूड आप धारण करते हैं राइट right? बिकॉज आप फियरलेस हैं डीप इन इसी वजह से आप आ, आ, कहीं से भी अफेक्टेड फील नहीं करते हैं ठीक है आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं कर पाती है डीप इन थोड़ा बहुत बर्डन आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करी गई है ठीक है आपके थॉट्स में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है मैंने बताया ना अनलिमिटेड अनगिनत स्पेल वर्क अनलिमिटेड अटैक्स आपके ऊपर किए गए ठीक है आपकी आत्मा को घायल किया गया और आपने उसके साथ बेबाकी से फाइट बैक किया है आपने उस सारे फियर को उस सारे बोझ को जो आपके विचारों को कंट्रोल करके यू you नो know, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करी गई आपने उसको पुश बैक किया है ठीक है आपने बहुत बहादुरी का यू नो एग्जाम्पल शो किया है और जिस चीज़ को एक्चुअल में ईश्वर ने बहुत अप्रिशिएट किया है ठीक है एंड आपकी लाइफ स्टेबल है ठीक है टोटली स्टेबल है और ये चीज़ देख के आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ठीक है वो असहाय महसूस कर रहे हैं या ये सब कुछ बैकफायर हुआ है जो कुछ भी वो लोग करते हैं आपके अगेंस्ट ये सब कुछ बैकफायर होता है ठीक है ये सब उनके ही जीवन में जाकर तहस नहस मचाता है उनके जीवन में ही उनके जीवन की ही धज्जियाँ उड़ती हैं हो सकता है आपके घर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होती हो इन स्पेलवर्कस की वजह से ठीक है और वो लोग वेट कर रहे हैं कुछ बड़े डिज़ास्टर का ठीक है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा डिज़ास्टर हो उस चीज़ का वो वेट करें हैं जो कि होने वाला नहीं है ठीक है आपके हेटर्स और एनिमीस के जीवन में ही वो बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है या yeah. जो कोई भी आपके लिए गलत मनाएगा ठीक है उसके जीवन में ही उन चीज़ों को वो फेस करेगा ठीक है आपके लिए जो कोई भी जैसा मनाएगा उसके जीवन में वो चीज़ टेन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उसको मिलेंगी ठीक है जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा मनाएगा उसको दस गुना अच्छा परिणाम अपने जीवन में मिलेगा एंड जो कोई भी व्यक्ति आपके लिए गलत मनाएगा उसको दस गुना गलत परिणाम फेस करना पड़ेगा राइट right? सो so, आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं ठीक है ये कोई नार्सिसिस्टिक लोग हैं राइट ये ऐसे लोग हैं जो आत्ममुग्ध हैं ओके सेल्फ ऑबसेस्ड लोग हैं राइट और ये चाहते हैं ये नेगेटिव लोग हैं जो पूजा पाठ में आध्यात्मिकता में बिलीव नहीं करते हैं नेगेटिव लोग हैं राइट जो ईश्वर के नाम से डरते हैं ठीक है ईश्वर के नाम पर सिर्फ वो ढोंग करना पसंद करते हैं ठीक है आत्मिक तौर पर वो ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं सो so, इस तरह के लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं जो आप पर अटैक्स पे अटैक्स करे जा रहे हैं आप देख रहे हैं ये बर्डन टेन ऑफ वनस या तो ये बर्डन वो आपकी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि आप फाइट बैक करते हो ठीक है उन बर्डन से उन विचारों को आप हरा देते हो ठीक है एंड आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है ठीक है क्वीन से आप एम्प्रेस की तरफ बढ़ चुके हो ठीक है क्वीन से आप एम्प्रेस बनने वाले हो राइट सो एम्प्रेस सो आप एक ऑन्टरप्रनोर हो आप एक बादशाह हो ठीक है आपने इनर वर्क किया है ठीक है इसी वजह से आपके जीवन में अपग्रेडेशन हो रहा है दैट इज वॉट आई एम से ठीक है आपके जीवन में जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये आपने कमाया है ये आपने खुद अर्न किया है ठीक है आपकी अपनी लगन है मेहनत है जो आपने वर्क किया है अकेले रहकर ठीक है अकेले में कई बार लोग टूट जाते हैं गलत स्टेप्स उठा लेते हैं ठीक है या गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आपने गलत रास्ते पर ना जाकर ठीक है आपने अपनी आत्मा को एनलाइटन किया है अपने यू नो अंदर जो प्रकाश है जो ईश्वर का प्रकाश आप में विद्यमान है आपने उसको लाइटन अप किया है ठीक है आपने इनर वर्क किया है जिसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है ठीक है आपकी लाइफ पूरी तरह से अपग्रेड हो रही है यू आर गोइंग फ्रॉम क्वीन टू एम्प्रेस ठीक है सो यस आपको क्लैरिटी मिली है अपनी लव लाइफ को लेकर के अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आपको क्लैरिटी मिली है अब आपके जीवन से कन्फ्यूजन्स दूर हो चुके हैं ठीक है ठीके? आपको पता चल चुका है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं एंड आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं और ये जो कुछ भी डाउटफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट होती है ये और कुछ नहीं है ये नेगेटिविटी है जो आपकी तरफ भेजी जाती है स्पेलवर्कस के फॉर्म में ठीक है हो सकता है आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा भंवरे दिख रहे हैं ठीक है भंवरे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं भंवरे इंडिकेट करते हैं कि किसी तरह का स्पेलवर्क आपकी तरफ भेजा जा रहा है ठीक है आपके दाम्पत्य जीवन में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है आपके बृहस्पति ग्रह को खराब करने की कोशिश करी जा रही है ठीक है तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यू you नो know, मंदिर में जा कर के किसी भी तरह की कोई पीली वस्तु दान करें एंड चंदन का इत्र का प्रयोग करें ठीक है चंदन के इत्र का प्रयोग अगर आप अपने शरीर पर करते हो तो किसी भी तरह का कोई वर्क होगा वो तुरंत उसी टाइम ब्रेक हो जाएगा ठीक है चंदन का प्योर इत्र होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए ठीक है so, सो ये मैसेज आ रहा है आप सबके लिए मैं आप सबको एक बार राशियाँ बता देती हूँ मेष राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे वृष राशि बहुत स्ट्रांग है कन्या राशि स्ट्रांग आई है धनु राशि है यहाँ पे सिंह राशि स्ट्रांग है मकर राशि है यहाँ पे मिथुन राशि है या मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ठीक है मेष राशि डबल कंफर्मेशन में आई है या सो ये कुछ राशियाँ हैं यहाँ पे राइट right? सो so, uh, आपको हर तरह से ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हर समय आप पर वॉच रखते हैं भले ही वो आपको दिखते नहीं हैं बट वो फाइव डी वर्ल्ड सेवन डी वर्ल्ड से आपको वॉच कर रहे हैं ठीक है ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया है वो बैक फायर हो रहा है ठीक है जिस प्रकार की भावना कोई आपके लिए रखेगा उसको जीवन में वो चीज़ मल्टीप्लाई इंटू टेन टाइम्स मिलने वाली है ठीक है ये चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है या सो लेट्स सी और एक मैसेज और है आप लोग अगर रिसेंटली कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने जो म्यूजिक है उस पर ध्यान दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर म्यूज़िक आपके लिए यू नो अच्छा हो कई बार कोई म्यूज़िक आपके माइंड को यू नो मैनिपुलेट भी कर सकता है मेक श्योर कि आपको आ, आप हमेशा कोई ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपके मूड को अपलिफ्ट करे ठीक है सो बी केयरफुल विद दिस जो भी म्यूज़िक आप सुनते हैं उसको लेकर के बहुत अवेयर रहिए एंड uh, क्या आप सुन रहे हैं क्या चीज़ आप एक्चुअल uh, में देख रहे हैं ठीक है जो कंटेंट आप देख रहे हैं जो कंटेंट आप सुन रहे हैं वो कैसा है ठीक है उसका आपके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ठीक है इस चीज़ से आपको बहुत स्ट्रोंगली अवेयर रहना है ओके okay? सो so, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है या yeah. मदर मैरी एंड जीसस क्राइस्ट या सो आपके फादर और आपके मदर को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है ठीक है तो डेफिनेटली आपके फादर और मदर को हीलिंग मिलने वाली है ठीक है अगर आपके फादर मदर आपके साथ रहते हैं तो भी और अगर वो आपसे दूर हैं एनर्जेटिक लेवल पर उनको हीलिंग प्रोवाइड करी जाएगी ठीक है आपको बोला जा रहा है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट लव एंड फॉर गिवनेस फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम या तो आप अब जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं जिन लोगों ने आपको कठिनाइयों में डाला जिन लोगों ने आपको परेशानी में डाला ठीक है आप उनकी चीजों को फॉगेफ कर चुके हैं ठीक है आप उनकी चीजों को ईश्वर पर छोड़ चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में ठीक है अब आप टूवर्ड्स द लाइट आगे मूव कर रहे हैं ठीक है टूअर्ड्स द लव मूव कर रहे हैं द लवर्स का कार्ड आया है सो यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर लाइफ आप अपनी लाइफ पर फोकस हैं और आप यू uh, नो you know, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस हैं अपने प्रेम पर फोकस्ड हैं ठीक है तो फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम तो अगर आपके फादर को कुछ एनर्जेटिक हीलिंग चाहिए थी कोई ऐसी इच्छा थी जो उनकी पूरी नहीं हुई ठीक है तो उनकी कोई इच्छा पूरी होती मुझे दिख रही है एंड uh, उनको हीलिंग मिलने वाली है ठीक है एनर्जेटिकली वो हील फील करेंगे राइट right? एंड uh, अगर उनको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू है तो उसमें भी उनको सुधार होगा ठीक है उसमें भी उनको हीलिंग मिलेगी राइट मदर हीलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल लव एंड पीस या लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट चूज पीस या क्या सही है क्या गलत है ठीक है आपके साथ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ तो आप उस चीज़ को ईश्वर पर छोड़ चुके हैं और डेफिनेटली uh, आप चीज़ों को अब uh, फॉगिव करके आगे बढ़ना चाहते हैं चूज पीस और आपने शांति को चुना है ठीक है सद्भाव को चुना है आपने अपने मन की शांति को चुना है मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम या तो अगर आपकी मदर को किसी तरह का कुछ हेल्थ इश्यू हो रहा था ठीक है कुछ एनर्जेटिकली उनको कुछ हीलिंग की जरूरत थी तो उनको डेफिनेटली हीलिंग मिलने वाली है यहाँ पर ये यह चीज़ बोली जा रही है तो आपके ऊपर विशेष कृपा है ठीक है आपके माता पिता की विशेष कृपा है ठीक है शिव शक्ति की विशेष कृपा है आप पर क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं राइट मदर मैरी जीसस क्राइस्ट जिस भी फॉर्म में आप उनको पूजते हैं ठीक है थीके? आपको आदि शक्ति और अपने जो पिता है आदि महादेव ठीक है उनकी कृपा आपको प्राप्त है तो so, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको विशेष प्यार मिल रहा है उनकी तरफ से ठीक है यू आर सेफ एंजल्स स्टैंड क्लोज सो आप पूरी तरह से सेफ हैं आप लीड ले रहे हैं आप आगे हैं ठीक है लेकिन आपके साथ एक कवच चलता है ठीक है आपके आसपास एंजल्स रहते हैं आपको एंजल्स सराउंड करते हैं आपका एक एक मूव आपके जीवन का एक एक मूव यू नो एंजल्स आपको गाइड करते हैं राइट right? सो so, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब एंजल्स आपको अकेला छोड़ते हों ठीक है आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं एंड यू आर सेफ टोटली सेफ ठीक है हर प्रकार से आप सेफ़ हैं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपके बहुत करीब रहते हैं आपको दिखते नहीं हैं लेकिन आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं ठीक है ठीके? ये चीज़ आपको बताई जा रही है आर्क एंजल माइकल की तरफ से Surrender your concerns and allow a miracle to occur. Yeah, surrender करने के लिए कहा जा रहा है आपकी जो भी concerns हैं जो भी चिंताएँ हैं उनको ईश्वर पर छोड़ दीजिए ठीक है Archangel Michael par पर छोड़ दीजिए मुझे आर्क इंजुल माइकल से कई बार यू नो हनुमान जी की एनर्जी uh, मिलती है ठीक है सो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी ठीक है सुप्रीमली पावरफुल तो आप इनसे अपनी समस्याएं बताइए और ये आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाएंगे आपकी समस्याओं को हर लेंगे आपकी समस्याओं को गायब कर देंगे और आपकी समस्याओं को आपकी खुशियों में परिवर्तित कर देंगे ठीक है समस्याओं को गायब करके आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा देंगे अपनी चिंताओं को इनको दे दीजिए ये चीज़ बोल रहे हैं वॉइस ऑफ ट्रूथ ये सत्य है ठीक है सत्य की आवाज़ आप हैं ओके आप सत्य वक्ता हैं स्टैंड स्ट्रोंग फोकस ऑन योर पर्पस या सो जो आपका लाइफ पर्पस है आप उस पर चलते रहिए नो मैटर आप कोई बड़ा काम करते हो या छोटा काम करते हो ठीक है अगर आप अपना लाइफ पर्पस का एक तिनके मात्र का भी यू नो अपना लाइफ पर्पस निभाते हो ठीक है अगर आप कहीं से भी पृथ्वी की सेवा करते हो जीव जंतुओं की सेवा करते हो पशु पक्षियों की सेवा करते हो पेड़ पौधों की सेवा करते हो सो so, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो और उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से ठीक है फॉलो योर लाइफ पर्पस फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस दुनिया भर के जो चिंताएं हैं और जो दुनिया में जो चल रहा है ठीक है वो सब कुछ वो टेंशन छोड़ आप अपने लाइफ पर्पज पर फोकस करिए या सो रिलीज द फ़ियर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्पीक योर ट्रूथ निडर रहिए आप निडर हैं ऑलरेडी ठीक है और आपको यही चीज आगे भी फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है किसी भी तरह की नुकसान से आप निडर रहिए क्योंकि आप पूरी तरह से सेफ से हैं एंजल्स आपके साथ हैं आपके ऊपर किसी तरह का कोई डर नहीं है अपने सत्य को बेबाकी से बोलिए ठीक है जो भी बात आपको सामने रखनी है बिल्कुल क्लियर बोलिए ठीक है स्पीक योर ट्रूथ हो सकता है आप सत्य वक्ता हैं या सत्य प्रतिज्ञ हैं आप और इसी वजह से आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिव हो चुका है ठीक है और आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है सो so, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है या सो so, बहुत स्ट्रांग मैसेजेस हैं ये आपके लिए ठीक है आई एम सींग लॉट ऑफ फायर एंड वाटर या फायर एंड वाटर एनर्जी है यहाँ पे सो so, आपके जो सनसाइन है वो फायर वाटर हो सकते हैं ठीक है लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए लेट्स सी जी एंज और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए इस मैसेज प्रोवाइड करिए ओके या मैरिज या कमिटमेंट यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव या दैट इज़ वॉट यूर अट्रैक्टिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें अपनी तरफ ट्रू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या yeah? लेकिन आपके रास्ते में यू you नो know, कांटे बिछा दिए गए हैं ठीक है थॉर्न्स आपके रास्ते में बिछा दिए गए हैं बैक टू बैक बैक टू बैक एक के बाद एक ठीक है हर चीज़ आप पर ट्राई करी जा रही है और यही चीज़ हमेशा से होती रही है आपके साथ या लेकिन अब आप एक अपग्रेडेशन की ओर बढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? अब आप शायद उन स्पेलवर्क्स की पहुंच से भी बाहर हैं ठीक है ठीके? अब वो स्पेलवर्क्स एकमात्र साउंड एनर्जी से भी यू you नो know, दूर भाग जाते हैं ठीक है ठीके? सो अब आप आ, बेसिकली अगर समझाओ तो वो स्पेलवर्क्स यहाँ रह गए और आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं ठीक है ठीके? सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है अब आप उन स्पेलवर्कस की रीच से बाहर हैं ठीक है क्योंकि आप अपग्रेड हो चुके हैं आपको अपलिफ्ट कर दिया गया है ठीक है so सो ये जो रुकावटें हैं ये जो थॉर्न्स ये जो जाल बुना गया है ठीक है आपके आपको रोकने के लिए या आप इससे बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बहादुरी से आप लड़ते हैं एंड इसी चीज़ का जो आ, भय है आपके एनिमीज को लगता है ठीक है वो डरते हैं राइट वेदरिंग द चैलेंजेस अड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर फॉर यू या डेफिनेटली सो आप बहादुरी से इन चीज़ों से लड़े हैं एंड अभी भी आप कुछ कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को ओवरकम करने के बाद एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है नो डाउट अबाउट दैट कि आप इस कठिन सिचुएशन से बड़ी आसानी से बाहर आ चुके हैं और अभी तक अगर इन चीज़ों से आप नहीं बाहर आए हैं तो आप बहुत जल्द इन चीज़ों से बाहर आने वाले हैं यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव या सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव ठीक है इमोशनल फुलफिलमेंट आप मैनिफेस्ट uh, कर रहे हैं और वो चीज़ आपको दी जा रही है ठीक है आप अट्रैक्ट कर रहे हैं Uh, जो खालीपन आपने फेस किया है ठीक है जो इमोशनली जो भावनात्मक रूप से जो अकेलापन आपने फेस किया है एम्टीनेस ठीक है आप उससे बाहर आ रहे हैं राइट अनकंडीशनल लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको अपार प्रेम मिलने वाला है जो अपार प्रेम आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लिए वो अपार प्रेम आपकी तरफ आ रहा है ठीक है अ जर्नी इज इंडिकेटेड आई द फिजिकली और मेटाफॉरिकली योर लाइफ विल बिकम मोर फुल यस सो एक जर्नी हो सकता है आप करने वाले हैं हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं से आए हैं या फिर आप ट्रैवल करने वाले हैं ठीक है अ जर्नी इज इंडिकेटेड आई द फिजिकली और मेटाफोरिकली, या हो सकता है आप uh, आपके विचारों में एक uh, मैं देख रही हूँ प्रोग्रेस हो रही है ठीक है आपके विचारों में परिवर्तन आने वाला है योर लाइफ विल बिकम फुल आपके जीवन में संपन्नता आ रही है भरपूरता आ रही है प्रचुरता आ रही है ठीक है आपके जीवन से खालीपन दूर हो रहा है जो अभी तक खालीपन आपको महसूस होता था ठीक है अब आप खालीपन महसूस नहीं करेंगे ओके सक्सेस होप फ्रीडम हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ यू जस्ट बिलीव या मैनिफेस्ट so, कर रहे हैं आप ठीक है ऐसा प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लाइक टेल स्टोरीज में होता है ठीक है तो ऐसा प्यार आपकी तरफ आ रहा है राइट आप अपने जीवन में सक्सेस एन्जॉय करने वाले हैं ठीक है फ्रीडम इन्जॉय करने वाले हैं हीलिंग एन्जॉय करने वाले हैं फ्रीडम फ्री फ्रॉम ऑल स्पेलवर्कस ठीक है freedom, free spell works, जितने भी स्पेलवर्क अटैक्स आपके ऊपर किए गए उन सब चीजों से आप फ्री हो जाने वाले हैं ठीक है ठीके? और अपनी लाइफ को अपने ट्रू लव के साथ इंजॉय करने वाले हैं डीप विद इन आपकी हीलिंग होगी ठीक है आपकी आत्मा को हील किया जा रहा है पूरी तरह से हीलिंग आपको प्रोवाइड करी जा रही है ठीक है एंड ये मैजिक ये जादू आपके जीवन में तभी होगा जब आप इन चीज़ों पर बिलीव करेंगे ठीक है आपके खुद के थॉट्स मैजिक हैं जादू हैं ठीक है सो so, जब आप इन चीज़ों में बिलीव करेंगे तब ये मैजिक वर्क करना स्टार्ट करेगा ठीक है तब ये मैजिक एक्टिवेट होगा सो so, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है थर्टी वन थर्टी थ्री हो सकता है किसी की एज हो ठीक है ट्वेंटी सिक्स किसी की एज हो सकती है ट्वेंटी हो सकती है किसी की एज हो या ट्वेंटी अप्रिल लिस्निंग या थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट हो सकता है किसी भी मंथ की थर्टी फर्स्ट को आपका बर्थडे होता हो ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब्रवरी एट्थ ऑफ फेबररी सेकेंड जून सिक्स ऑफ फेबररी सिक्स ऑगस्ट थर्ड मार्च ट्वेंटी ऑफ़ जून सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं ठीक है थीके? ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं आपके लिए या yeah? सो so, जो भी चैलेंजेस आप तक पहुंचना चाह रहे हैं ठीक है थीके? आप उनकी पहुंच से बाहर हैं राइट right? आप वो टच भी नहीं कर सकते आप आप अपग्रेड कर चुके हैं ठीक है ठीके? आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो अपग्रेड हो चुका है ठीक है लेवल अपग्रेड हो चुका है आपका ओके एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे इलेवन इलेवन हो सकता है आपको रिसेंटली दिखा हो ट्वेल्व ट्वेल्व आपको दिखा हो 14 फोटीन हो सकता है आपको दिखा हो एंजल्स आपसे बातें कर रहे हैं ठीक है वो अलग अलग नंबर्स में आपसे बातें कर रहे हैं ठीक है अलग अलग टाइप के नंबर्स आपको वो दे रहे हैं या बोल्जाय सी बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ठीक है आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ओके वाटर सरेंडर क्राउन पर्सनल पावर बटरफ्लाई फोकस यस बॉटम की एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स माउंटेंस राइट सो आपने ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं ठीक है आपने बहादुरी से उनका सामना किया है चैलेंजेस आपकी तरफ थ्रो किए गए और आपने उनको ओवरकम किया है राइट right? सो so, आप, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है स्परिचुअल पावर्स बढ़ाई है एंड इसी वजह से एंजल्स आपको हर समय हर पल सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सही राह पर हैं ठीक है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं एंड uh, किसी भी तरह का कोई अटैक या किसी भी तरह की कोई ऑब्स्टेकल अब आप आपको रोक नहीं सकते हैं ठीक है अब आप अपग्रेड हो रहे हैं राइट आपने आ, अपने आप को अपग्रेड किया है आप एक परिवर्तन के दौर में एंटर कर चुके हैं ठीक है आपके जीवन में आपके सोशल सर्कल में बदलाव आप देखेंगे आपके स्टैटस में आप बदलाव देखेंगे ठीक है आप अपग्रेड कर रहे हैं गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल ओके पर्सनल पावर आपका क्राउन चक्र एक्टिव है ठीक है ये इनविजिबल uh, क्राउन आपने धारण किया हुआ है और आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से एक्टिव है एंड uh, आप बिल्कुल अपग्रेड करने की स्थिति में हैं एंड uh, आप यू you नो know, outgrow कर चुके हैं उस प्लेस को मैंने आपको डाउनलोड में बताया और वही कन्फर्मेशन यहाँ पर आया है ठीक है आप जिस प्लेस पर रह रहे हैं आप उसको आउटग्रो कर चुके हैं ठीक है सो यस so, yes, आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिव हो चुकी है एंड uh, आपको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है ठीक है ड्रिंक मोर वाटर एंड इमोशनली भी आप फुलफिल फील करने वाले हैं ठीक है ठीके? भावनात्मक रूप से आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले हैं खुलकर ठीक है सो यस यू आर मोर फोकस्ड नाउ ठीक है अब आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे एंड आपके रास्ते में जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे जो ऑब्स्टेकल्स आपकी तरफ भेजे जा रहे थे ठीक है इन सब ऑब्स्टेकल्स को आपने ओवरकम कर लिया है और इन सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया गया है बिकॉज एंजल्स आर गाइडिंग यू ठीक है वो आपको गाइड कर रहे हैं हर सही रास्ते पर वो आपको लेकर जा रहे हैं एंड आप पूरी तरह से डिस्ट्रेक्शन से दूर हैं ठीक है फोकस्ड है एंड आपका ये जो फोकस है ना ये आपके लिए प्रगति का uh, कारण बन रहा है एंड एंजल्स आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस ठीक है नंबर फोर्टी आपके लिए स्पेसिफ़िक है नंबर थर्टी नाइन हो सकता है आपकी एज हो ठीक है थर्टी नाइन आपकी एज हो सकती है फोर्टी आपकी एज हो सकती है राइट right? ट्वेंटी एट या ट्वेंटी टू आपकी एज है नंबर फाइव आपके लिए स्पेसिफिक है फाइव फाइव की एनर्जी है यहाँ पे तो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है एंड मेजर चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं ठीक है लाइफ पाथ नंबर वन भी हो सकता है आपका सो so, देखते हैं और क्या मैसेज हैं यहाँ पे आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से लेट्स लेट्स एंजल्स के डाउनलोड लेते हैं एंजलिक से या सो लेट्स सी जीअर स्पिरिट्स मेरे कलेक्टिव के लिए कुछ नए मैसेजेस दीजिए क्या मैसेज है उन तक पहुंचना चाहिए ओके फील लाइक टचिंग यू आर यू रियल या सो यू हैव टू बी वेयर ठीक है आपको अपनी बाउंड्रीज़ को अप रखना है uh, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोई टच ना करे ठीक है बिकॉज आप एक uh, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं बहुत ज़्यादा uh, डिइन एनर्जी आप कैरी करते हैं ठीक है आपकी आपका क्राउन चक्र एक्टिव है तो मेक श्योर sure आप अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म रखें हर किसी को आप अलाउ नहीं कर सकते अपने अराउंड ठीक है योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर या सो आपका बिजनेस इस साल एक्सेल करने वाला है बहुत प्रोग्रेस आपको दिखेगी ठीक है अपने बिजनेस में ये मैसेज आ रहा है युआ इंटेलिजेंट यस yes, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं बहुत वाइज हैं आपको पता है कि आ, किस तरह से आगे मूव करना है लाइफ में ठीक है एंड आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जाहिर नहीं करते हैं या आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को दोनों को आत्म मंथन की ज़रूरत है ठीक है दोनों को अपनी गलतियों को भी समझने की ज़रूरत है ठीक है यू you नो know, अपना अपना इनोवर्क करने की ज़रूरत है ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है स्टे अवे ओके स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल या यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्लिंगी लोग हैं ना जो चिपकू लोग हैं या yeah? ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जी से क्लिंग ऑन हो जाना चाहते हैं ठीक है ठीके? जो चिपक जाना चाहते हैं चिपकू लोग ऐसे चिपकू लोगों को आप अलाव नहीं कर सकते अपनी एनर्जी में आप भी अलाउ नहीं कर सकते हो आपके पार्टनर भी अलाउ नहीं कर सकते हैं या yeah, बिकॉज आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो आपके पार्टनर के साथ अगर कोई क्लिंगी होता है तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी या आपके साथ कोई क्लिंगी होता है तो आपके पार्टनर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी सो बोथ ऑफ यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल सो आप दोनों को ही क्लिंगी लोगों से जो ड्रेन कर लेते हैं ना एनर्जी को चिपकू लोग होते हैं जो उनसे दूर रहने की जरूरत है हैप्पी बर्थडे या सो so, आप में से किसी का अगर बर्थडे है इस मंथ में सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेज फ्रॉम माई साइड विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे या गो गेटर यस यू आर गो गेटर नो डाउट अबाउट दैट आप जो चीज़ सोचते हैं ठानते हैं आप वो कर दिखाते हैं आप हर प्रकार के चैलेंज को फेस करके आगे बढ़े हैं एंड आप ये अपग्रेडेशन डिजर्व करते हैं ठीक है वेल डिजर्व या आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समिंग आपको कोई कुछ गिफ्ट करना चाह रहा है ठीक है किसी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहा है ओके क्या यू लेफ्ट दे अवे आपने उनको पीछे छोड़ दिया किसी को आपने छोड़ दिया ठीक है यू लेफ्ट देम अवे कुछ क्लिंगी लोगों को कुछ चिपकू लोगों को आपने छोड़ दिया यू आर अंडर डिवाइन सीसी टीवी सर्विलेंस नो मैटर एट वॉट टाइम या या सो आपको यहाँ पे आ, ये ब्राइट सन दिख रहा है ठीक है so, सो ये वॉच रखते हैं ये वही सी सी टीवी सर्विलेंस कैमरा है डिवाइन सीसी टीवी सर्विलेंस कैमरा ठीक है जो आप पर हर समय वॉच रखते हैं राइट उसी की बात हो रही है आपको हर समय हर पल ईश्वर यू नो आप पर नजर रखते हैं आपकी रक्षा करते हैं उनका कैमरा हर समय आप पर रहता है ठीक so है सो ये चीज बताई जा रही है नो मैटर एट वॉट टाइम ऑल द टाइम यू आर अंडर सीसी टीवी सर्विलेंस डिवाइन सीसी टीवी सर्विलेंस ओके ट्राइंग टू फूल यू आउट कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपको बहुत सावधान रहना है ठीक है कोई आपसे मीठी मीठी बातें करके हो सकता है आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कोई क्लिंगी पर्सन ठीक है तो आपको एनर्जी वेम्पायर से सावधान रहना है आपकी एनर्जी को कोई ड्रेन करना चाहता है ठीक है कोई आपसे क्लिंग अराउंड करना चाहता है आपकी एनर्जी से स्टक हो जाना चाहता है तो आप अलाउ नहीं कर सकते हो आपकी एनर्जी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है लेकिन आप आ, किसी एक यू नो you know, किसी एक एनर्जी वेम्पायर को अपनी एनर्जी लीच आउट करने नहीं दे सकते हो पूरी तरह से ड्रेन करने नहीं दे सकते हो ठीक है सो तो आप बहुत आ, स्मार्ट हो आपको पता है किस व्यक्ति को कितनी एनर्जी देनी है ठीक है किस व्यक्ति से कित किस हद तक आपको कांटेक्ट रखना है कितना आप किसी को अपना टाइम दे सकते हो अपनी एनर्जी दे सकते हो ठीक है so, सो बहुत वाइजली आपको मूव करना है लाइफ में टूवर्ड्स यू नो प्रोग्रेस तो आपको बहुत वाइजली ये डिसीजन लेना है कि आप किसको अलाउ कर सकते हो अपने अराउंड राइट मैजिक टच है आपका सो so, आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हो उनके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं ठीक है हो सकता है आपको इस बात का आभास नहीं है लेकिन ऐसा होता है ठीक है आप बहुत लकी हो बहुत सारे लोग जो आपके अराउंड होंगे उनको ये चीज़ पता है और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको ये चीज़ बोलना नहीं चाहते चुपके चुपके फायदा उठाना चाहते हैं उन चीजों का ठीक है सो यस एंजल्स आपको ये चीज अवेयर करा रहे हैं कि यू हैव अ मैजिक टच आपका एक मैजिक टच है ठीक है आप लकी हैं या आप जिस भी चीज़ पर यू नो you know, अपना हाथ रखते हैं वो इट टर्न्स इनटू गोल्ड वो गोल्ड हो जाती है वो चमत्कारिक रूप से आ, प्रोग्रेसिव हो जाती है आप जिस जिस भी व्यक्ति के जीवन में आप प्रेजेंट होते हो वो व्यक्ति प्रोग्रेसिव हो जाता है ठीक है सो एक मैजिक टच है आपका जो लोग इन्जॉय करते हैं कई ऐसे लोग भी हैं जो चुपके चुपके इन्जॉय करते हैं आपके मैजिक टच को बट आपको थैंक नहीं करते हैं उस चीज के लिए ठीक है शॉर्ट है सो कोई शॉर्ट है से रिलेटेड कुछ बात आ रही है समथिंग अबाउट शॉर्ट है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है या सो so, कोई आपसे अपने मन की बात जाहिर नहीं कर पाता है जब आप सामने आते हो तो आपसे वो कुछ नहीं बोल पाते हैं बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं या yeah, सो so हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से है ये मैसेज वो आपसे खुलकर कुछ बोल नहीं पाते यू विल लिव योर ड्रीम दिस इयर या सो इस साल आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं ठीक है आपके जो भी सपने थे जो आप भूल गए थे लेकिन आपके सपने ईश्वर नहीं भूले ठीक है ईश्वर को आपका हर एक वो मासूम सपना जो आपने देखा था वो याद है ठीक है फ्लर्टिंग, या सो so, कुछ ऐसे फ्लर्ट करने वाले लोगों से आपको सावधान रहना है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेना चाहते हैं जो आपसे क्लिंग अराउंड करना चाहते हैं ठीक है जो, आप है, जो बस आपके मजे लेना चाहते हैं सो so, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है राइट हैप्पी लाइफ यू विल बी ब्लेस्ड विद हैप्पी लाइफ ओके आपकी लाइफ पूरी तरह से हैप्पी है एंड uh, संपन्न है कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जो आपकी लाइफ को कहीं से भी यू नो प्रॉब्लम्स में ला पाए बिकॉज आप बहादुर हैं आप अपने एनिमीज़ को पावरलेस बना देते हैं ठीक है अपनी फ़ियरलेस एटीट्यूड से आई नो आई अप या सो किसी को पता है कि उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है ठीक है बहुत बड़ी भूल हो गई है आपको समझने में किसी ने भूल करी है या सो आई नो आई अप कोई आपसे ये चीज बोलना चाहता है कि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है उनको पता है कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा उसको वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया है क्या सी कंफर्मेशन सो कोई काला जादू आपके सामने टिक नहीं सकेगा उसको वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया हो वहीं उठाकर फेंका जाएगा उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाएगा जिसने ये चीजें आपकी तरफ भेजी हैं क्या yeah? So, कोई भी गलत चीज़ आपके अराउंड टिक नहीं सकेगी जो पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी आप कैरी करते हैं जो हायर वाइब्रेशन आपकी है ठीक है वहां तक उस स्पेलवर्क uh, का पहुंच पाना असंभव है ओके हेटर्स का गेम ओवर यस सो आपके हेटर्स का गेम ओवर या उनके जो भी नाटक नोटंकियाँ हैं जो भी स्पेलवर्कस हैं वो यहीं पर खिचड़ियाँ पकाते रहेंगे एंड आप अपग्रेड हो चुके हैं ठीक है आपने अपग्रेड कर लिया है आपकी लाइफ अपग्रेडेशन की ओर आगे बढ़ चुकी है राइट सो यू गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिस किसी तक ये मैसेज पहुँचेगा ये मैसेज टाइमलेस है जब कभी भी आप ये मैसेज सुनेंगे विद इन थ्री मंथ्स आप अपने जीवन में अपग्रेडेशन देखेंगे आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे ठीक है बहुत सारी पॉजिटिविटी अपनी तरफ आते हुए देखेंगे एंड uh, आप हर प्रकार के स्पेलवर्क से अनटच्ड हैं ओके आप तक कोई भी स्पेलवर्क रीच नहीं कर पाएगा वापस वहीं फेंक दिया जाएगा जहाँ से वो आया है राइट सो आई फील लाइक टेकिंग वन मो लेट्स सी एक और लेते हैं आपके लिए कोई मैसेज ये वाला ओके okay. यू आर माई ब्रेथ ओके सो आप किसी की ब्रेथ हैं कोई आपको अपना ऑक्सीजन मानता है ठीक है आपकी सांसें उनसे चलती हैं ठीक है ठीके? आप उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कोई आपसे ये चीज़ कहना चाहता है यू आर माई ब्रेथ या सो सम वन इज डीपली इन लव विद यू सम वन लव्ज यू अलॉट कोई आपसे बहुत प्यार करता है ठीक है so, सो देखते हैं या yeah, तो so जल्दी से लेटर्स और इनिशियल्स लेते हैं क्या लेटर्स हैं क्या इनिशियल्स हैं क्या ओके ओके लव कोई एक्स है नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी से बात नहीं हो रही है राइट नंबर सेवन आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है जुलाई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है सेवेंथ ऑफ जुलाई आपके लिए स्पेसिफिक है आई एम लिसनिंग सेवन टाइम्स सेवेंटीन नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है फर्स्ट ऑफ जनवरी सेवंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट जुलाई प्लस राइट सो हो सकता है किसी को मेडिकेशन की जरूरत है कुछ हेल्थ uh, इश्यूज हो रहे हैं ठीक है सो so, आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए ए पॉजिटिव ओके okay, किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या वेल्थ धन आपकी तरफ आ रहा है ठीक है वेल्थ आने वाला है आपकी तरफ द वेट इज ओवर ठीक है लेजी एम लिस्निंग लेजी समवन इज रियली लेजी कोई बहुत लेजी है पी जी गिव अप ओके गिवअप hmm. कोई लेट हो गया है कहीं के लिए कुछ लेट आ रहा है आई एम एमलिसनिंग लता लता वाइब्स वी जी ओके आई एम एमलिसनिंग वार्तालाप वार्तालाप ए टी एल समथिंग टू डू विद ए टीएल पी वी जेड या ओके कोई नेम आ रहा है यहां पे अतुल 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 गुप्ता आम लिस्निंग अतुल गुप्ता या yeah. किसी भी मंथ की सेवेंथ को हो सकता है आपका बर्थडे होता हो किसी भी मंथ की फर्स्ट को आपका बर्थडे होता होगा पैट ओके समथिंग टू डू विद गाँव कुछ गाँव गाँव आ रहे हैं यहाँ पे ओके सो okay, so ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए ठीक है आपको बेटर पता है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं मैसेजेस आपसे ऑलरेडी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है अदरवाइज़ मैं और इनिशियल्स लेती और लेटर्स लेती लेकिन आई विल डू वन एक्सक्लूसिव रीडिंग ठीक है लेटर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव रीडिंग मैं बनाऊँगी जो सिर्फ लेटर्स और एंजलिक डाउनलोड्स के साथ होगी ठीक है so, सो फिलहाल मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अपग्रेडेशन एंड आपकी लाइफ डेफिनेटली अपग्रेड होने वाली है एंड कीप अप द गुड वर्क आपने वर्क किया है ठीक है आपने अर्न किया है अपग्रेडेशन को सो डेफिनेटली यू डिज़र्व इट आपने अर्न किया है अपग्रेडेशन एंड डेफिनेटली इसी वजह से ईश्वर आपको uh, ये गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं ये तोहफा आपको दिया जा रहा है ठीक है ये uh, अपग्रेडेशन का जो एक नायाब तोहफा है वो आपको दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से ठीक है सो इन्जॉय करिए एंड ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए आप फियरलेस एटीट्यूड को हमेशा अपनाते रहिए एंड जो आपका फ्यरलेस एटीट्यूड है ना वो आपके एनिमीज़ को पावरलेस बना देता है ठीक है सो कीप अप द गुड वर्क राइट सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड रही हूँ फ्रेंड्स एंड I hope and pray for the best for all of you. Thank you. I love you all. Thank you. Thanks a lot.